नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर स्टील प्लांट इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। वो पहले पूछते हैं कि बेल्ट कन्वेयर क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि बेल्ट कन्वेयर वो चीज़ है जो बेल्ट के थ्रू मेटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। जो बेल्ट के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं मेटेरियल्स, उसको बेल्ट कन्वेयर कहते हैं, कन्वेइंग थ्रू बेल्ट। उसके बाद एक और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो कि बताना शायद बहुत मुश्किल रहता है, कि इक्विपमेंट्स और पार्ट्स क्या क्या यूज होता है बेल्ट कन्वेयर में। विद एक्सपीरियंस मैं आपको आज ये चीज़ आप एक्सप्लेन करूंगा आज आपको। तो पहला चीज है, ये पहला जो है वो है हेड पुली। एक कन्वेयर का जो हेड पुली रहता है वो उसका ड्राइव पुली रहता है। एक हेड पुली उसको हम ड्राइव करते हैं मोटर और गियर बॉक्स के थ्रू। तो ड्राइव पुली वो होता है जो कि बेल्ट को अपने ओर खींचता है। सेकंड जो है वो है टेल पुली। टेल पुली को हम ड्रिवन पुली कहते हैं, जो कि टेल का लास्ट एंड में रहता है, और वो ये दोनों जो है हेड पुली और टेल पुली ये बेल्ट को ड्राइव एंड ड्रिवन करते रहते हैं। उसके बाद आता है स्नैप पुली। ये स्नैप पुली क्या है? स्नैप पुली एक ऐसा चीज है जो कि एक आर्क क्रिएट करता है हेड पुली के साथ। मान लीजिए ये है आपका हेड पुली और मान लीजिए ये है आपका टेल पुली, तो बेल्ट इस तरह से टेल पुली से हेड पुली तक आया। उसके बाद हेड पुली के बाद ही हमको एक स्नब पुली का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये जो आर्क है ये बेल्ट हाफ ऑफ द सेमी स्पेयर इसको कवर करने के बाद ये इसको एक स्नब पुली में यहाँ पे लगाया जाता है। तो स्नैप पुली का काम यह है कि यह यहाँ पे एक आर्क क्रिएट करता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है हेड पुली के साथ, जिसके थ्रू बेल्ट बहुत ही टाइटली हेड पुली के साथ कर्व्ड होके जाता है। तो स्नैप पुली का ये काम होता है कि ये टेंशन क्रिएट करता है, एक आर्क क्रिएट करता है जिसके थ्रू बेल्ट बहुत ही टाइटली हेड और टेल पुली के साथ अटैच रहता है। उसके बाद हमारा आता है डिफ्लेक्शन पुली और प्रेशर पुली। डिफ्लेक्शन मतलब हम एक वे देंगे, एक पाथ देंगे बेल्ट को ट्रैवल करने के लिए। जैसे ही हमारा यहाँ पे एक आर्क बनता है तो हमारा मोटिव ये है कि दोनों के दोनों साइड जो बेल्ट है वो पैरेलली ट्रैवल करते जाए, नहीं तो बेल्ट ऊपर टच हो सकता है या प्लेटफॉर्म में लग सकता है। तो इसके इस डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे हम एक पुली प्लेस करते हैं, जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन पुली है जो कि बेल्ट को डिफ्लेक्ट करके टेल पुली तक प्रोवाइड करता है बिना किसी स्क्रैचेस और ये के कारण ये प्रोवाइड करता है। इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन पुली। तो ये हो गया हमारा चार मेन चीज है, जो कि है टेल पुली, ये हो गया हमारा हेड पुली, स्नब पुली जो कि ये टेंशन और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है हेड पुली के साथ, और ये रह गया हमारा प्रेशर पुली। ये चारों चीज है जो कि एक कॉमन बेल्ट कन्वेयर में यूज होता ही होता है बेल्ट को अच्छा से ड्राइव करने के लिए। उसके बाद हमारा जो है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्रैपर। स्क्रैपर एक ऐसा चीज होता है जो कि स्क्रैप करता है, रिमूव करता है मटेरियल्स जो कि बेल्ट में लग के जाता है। बहुत सारे बेल्ट्स में फाइंस जाता है कि डस्ट जा रहा होगा, तो जब भी ये बेल्ट रिटर्न होता है हेड पुली के पास से, तो यहीं पे हेड पुली के पास हम कुछ स्क्रैपर्स लगाते हैं। एक प्राइमरी लगाते हैं, उसके पीछे जो स्क्रैपर लगाता है वो है सेकेंडरी स्क्रैपर। प्राइमरी स्क्रैपर बेल्ट का जो स्क्रैपिंग मटेरियल है, जो कि डिस्चार्ज होने के बाद जो मटेरियल बेल्ट के साथ अटैच रहता है उसको स्क्रैप करता है, और बाकी का जो स्क्रैप रह जाता है वो सेकेंडरी स्क्रैपर उसको स्क्रैप करके बेल्ट को नीट एंड क्लीनली ड्राइव करते हैं। इसके कारण बेल्ट का जो लाइफ है वो लंबा रहता है और बेल्ट ज्यादा जल्दी डैमेज भी नहीं होता और बेल्ट क्लीन रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुल कॉर्ड। पुल कॉर्ड ऐसा चीज है जो कि बेल्ट के चारों ओर एक वेयर रहता है हेड पुली से टेल पुली तक। अगर किसी पोजीशन में हमको बेल्ट इमरजेंसी के लिए बंद करना पड़ता है और सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम लोग पुल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आप पुल कॉर्ड को खींच देते हैं तो बेल्ट वहीं के वहीं उसी वक्त रुक जाता है। ये सेफ्टी पर्पज के लिए दिया गया है। नाउ कमिंग टू गियर बॉक्स विथ कपलिंग।
मोस्टली गियर बॉक्स अटैच रहता है हमारा हेड पुली के साइड से। हेड पुली का जो शाफ्ट है वो एक कपलिंग के थ्रू गियर बॉक्स में कनेक्ट रहता है। उसके बाद एक कपलिंग के थ्रू ये मोटर में कनेक्ट रहता है। मोस्टली गियर बॉक्स का जो कपलिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं वो रेजिलेंट कपलिंग यूज किया जाता है, जिसके उसके बाद जो मोटर का जो कपलिंग है ये हमारा एक मोटर कपलिंग और ऐसे ही बुश टाइप कपलिंग हम यूज करते हैं, पिन एंड बुश टाइप। तो जैसे मोटर ऑपरेट होता है तो हमारा एक सर्टन स्पीड में हम लोग बेल्ट को ड्राइव करते हैं, तो उसी स्पीड रिडक्शन के लिए हम लोग गियर बॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू उसके बाद और एक कपलिंग आता है, उसके बाद जो हमारा हेड पुली का जो शाफ्ट है उसके साथ कनेक्ट होके हेड पुली रोटेट होता है। तो यहाँ पे गियर बॉक्स और मोटर और उसका कपलिंग यूज होता है। बेल्ट स्वे स्विच BSS, ये क्या चीज है? बेल्ट के दोनों साइड में हम एक बेल्ट स्वे स्विच लगाते हैं, एक रोलर टाइप का होता है। अगर मान लीजिए कभी बेल्ट स्वे होता है लेफ्ट और राइट साइड में, कभी भी किसी के डायरेक्शन में जो अगर ज्यादा स्वे हो गया है तो हमारा यहाँ पे मटेरियल लॉस हो सकता है और बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। तो बेल्ट स्वे स्विच बेल्ट के दोनों साइड में दिया जाता है। अगर एक बार बेल्ट स्वे हो जाता है तो ये स्विच डिफ्लेक्ट होके ऑफ हो जाता है, जिसके कारण बेल्ट इमिडिएटली बंद हो जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे ZSS में। व्हाट इज ZSS? ZSS है जीरो स्वे स्विच, जीरो स्पीड स्विच, जो कि टेल एंड में लगा रहता है। ये हमको स्पीड रिकॉग्नाइज करते हैं। एक सेंसर है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आके लगाता है, जो कि हम सेंस करते हैं कि बेल्ट कितना स्पीड में घूम रहा है, बेल्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम सही है कि नहीं, तो ये हमको मालूम पड़ता है। उसके बाद आता है पिलो ब्लॉक एंड प्लम्बर ब्लॉक। प्लम्बर ब्लॉक, प्लम्बर ब्लॉक मोस्टली लगा रहता है हेड पुली के पास, हेड पुली, स्नॉब पुली और हमारा डिफ्लेक्शन पुली में हमारा प्लम्बर ब्लॉक रहता है। प्लम्बर ब्लॉक के अंदर बियरिंग्स रहते हैं जो कि स्मूथली हमारा शाफ्ट या हमारा पुलिस को ड्राइव करते हैं। बियरिंग के कारण, बियरिंग में हमारा मोस्टली रोलर बियरिंग यूज होता है या स्पेरिकल बियरिंग इसमें यूज होता है, जिसके कारण बेल बहुत स्मूथली ड्राइव रहता है और एक ब्लॉक के अंदर रहता है, जिसको हम प्लम्बर ब्लॉक कहते हैं, जिसको हर इंटरवल में, हर शेड्यूल में ग्रीसिंग किया जाता है। कमिंग टू पिलो ब्लॉक, पिलो ब्लॉक हमारा टेल एंड में यूज होता है। ये याद रखिए, टेल एंड में हम पिलो ब्लॉक यूज करते हैं और जहां की बाकी सब पुलिस में हम प्लम्बर ब्लॉक यूज करते हैं। पिलो ब्लॉक ये प्लम्बर ब्लॉक की तरह नहीं होता है, जिसको डायरेक्टली अटैच रहता है, ये भी स्पेरिकल और रोलर बियरिंग्स रहते हैं। उसके बाद इसको भी हम पर्टिकुलर इंटरवल में हमको ग्रीसिंग करना पड़ता है। कमिंग टू नेक्स्ट आइडलर्स, आइडलर्स बहुत ही मेन चीज रहता है जो कि बेल्ट को एक यू शेप देते हैं, जिसके कारण ये मटेरियल को इजीली ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी स्पिलेज और स्वे के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैरिंग आइडलर्स जो कि कैरी करते हैं, इम्पैक्ट आइडलर्स जो है जो कि जस्ट चूट के नीचे लगा रहता है। अगर एक मटेरियल चूट में आके गिरता है तो चूट के नीचे एक रबर टाइप आइडलर्स लगा रहता है, जो कि बोला जाता है इम्पैक्ट आइडलर्स, जो कि इम्पैक्ट शॉक को वो हैंडल करता है। जहाँ कि आप आगे देखेंगे कैरिंग आइडलर्स जस्ट उसके बाद, चूट के बाद ही कैरिंग आइडलर्स लगा रहता है, जो कि एक यू शेप प्रोवाइड करता है बेल्ट को और आसानी से बेल्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है मैट्रेस विदाउट एनी स्पिलेज के। रिटर्न रोलर्स, जब बेल्ट हेड पुली तक पहुंचता है उसके बाद जो जब रिटर्न होता है तो स्नॉब और प्रेशर के बाद रोलर्स लगा रहता है। बहुत जगह में रोलर्स, पूरा रोलर लगा जाता है, जिसके कारण बेल्ट को बहुत ही आसानी और बिना टेंशन झेल के, मैंने नहीं झेलते हुए, वो वापस टेल पुली तक आता है रिटर्न रोलर्स के थ्रू। और रह गया हमारा गाइड रोलर्स। गाइड रोलर्स बेल्ट को गाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया BSS में जो कि बेल्ट स्वे में जैसा उसी गाइडलर्स मतलब रोलर लगा रहता है। बेल्ट स्वे में जब होता है तो वो ट्रिप हो जाता है अगर ज्यादा स्वे होगा, ज्यादा स्वे नहीं होने के लिए हमारा गाइड रोलर लगा रहता है। अगर बेल्ट थोड़ा ज्यादा स्वे हो रहा है तो गाइड रोलर इसको एडजस्ट करते हैं और आगे तक तरफ ढकेलते हैं, इसको लेफ्ट एंड राइट नहीं होने देते बेल्ट को। अगर इसके ज्यादा होता है तो जाके बेल्ट स्वे स्विच उसको ट्रिप करता है। तो दोस्तों ये रहा बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
अगर आप इसको इस 12 पॉइंट को अच्छा से थॉरली नोट करेंगे, जाके इंटरव्यू में बताएंगे, तो अच्छा आपको ग्रेडेशन या पॉइंट्स मिलेगा इंटरव्यू के तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।